हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे YouTube चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना Gmail अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटी निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा परिवहन, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। दो तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया था। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, उस स्टेट का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दोनों लाइसेंसों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर अभी आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उसके बारे में भी, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था उस लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन्होंने अभी फिलहाल में ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, या जिन्होंने पिछले साल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, या जब से डिजिटल हुआ है तब से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उन लोगों को क्या करना होगा, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे ये कैप्चा वर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता, हमने इस यूट्यूब चैनल पे बना रखी है प्लेलिस्ट पे, ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो वीडियो इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर, वहां से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर ये डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी किसी स्टेट में इस पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाता है, कहीं कहीं पे इस पे क्लिक ही नहीं होता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस फिलहाल में ही बनवाया है और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं आ रहा है, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइएगा, स्टेटस आपको इसका दिख जाएगा। तो जैसे जिस बंदे का मैं देख रहा हूँ, तो इसका अप्रूव हो चुका है, और अप्रूव भी हो चुका है, डिस्पैच भी हो चुका है, इसलिए वो नंबर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिखा रहा है। अगर इसका अप्रूव नहीं होता तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लगा हुआ नहीं होता, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं दिखता हमको। तो जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ गया है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लग गया है, वो ही ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं लगा, तो कुछ दिन का आप वेट कर लीजिए, वो लग जाएगा आपका। अब उसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका टेस्ट है, टेस्ट भी पास होना चाहिए। टेस्ट किस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा, इसमें नीचे आपको दिख जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास है या फेल है। जैसे इसमें मोटरसाइकिल का भी पास है और लाइट मोटर व्हीकल यानी गाड़ी का भी पास है, और किस डेट में रिजल्ट की एंट्री हुई है, यानी एंट्री डेट क्या है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और किन्होंने कंडक्ट किया है वो भी दिख रहा है। टेस्ट डेट क्या, किस डेट में टेस्ट हुआ है वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अब डाउनलोड का मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड करना चाहते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो मोबाइल है उस पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे
तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा। पीडीएफ फाइल, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड के लिए आपको क्लिक करना है उस पे। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद पीडीएफ फाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं आता है आपके सामने डाउनलोड के लिए नहीं आता है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा सर्विसेज ऑन डीएल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मैंने आपको बता ही दिया, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अगर आपका लग गया है तो कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा यहाँ पे। अगर आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है लेकिन कंप्लीट डिजिट का नहीं है, तो यहाँ इस तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को डाल सकते हो। जैसे RJ14 जो है, ये RTO कोड हो गया, उसके बाद 2000 ये ईयर हो गया, किस ईयर में इशू आया है, और उसके बाद 7 डिजिट आपको बनानी होगी। 7 डिजिट में अगर 4 या 5 डिजिट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो उसके आगे 2 या 3 जीरो आप लगा लीजिए। अगर 5 डिजिट का है तो उसके आगे 2 जीरो आप लगाइए। अगर 6 डिजिट का है तो 1 जीरो लगाइए, और अगर ती 4 डिजिट का है तो 3 जीरो आप लगाइएगा। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और जैसे ही आप गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आपका ओपन होकर आ जाएगा। किसी के में फोटो आ सकता है, किसी के में नहीं आ सकता, फोटो साइन वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल पूरी आपको दिख जाएगी, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और उसके बाद RTO, स्टेट, ये सब चीजें आपको दिख जाएगी। कब इशू हुआ है, कब एक्सपायर होगा वो दिख जाएगा आपको, और कौन कौन सी क्लास ऑफ व्हीकल है वो दिख जाएगा, कहाँ से इशू हुआ है वो दिख जाएगा आपको। इसको अगर आप सेव करना चाहे सेव कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड करने का। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज की बात करूं, तो काफी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। व्हीकल रिलेटेड 6 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड 10 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो इन पे क्लिक करके देख सकते हो। जुड़ना चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जानकर रेगुलर पाने के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।